कि आज हम दाल का पूड़ी बनाएंगे और इसके लिए देखिए हमने दाल उबाल लिया है। अगर आपको दाल उबालने नहीं आता है तो आप एक गिलास दाल ले रहे हैं तो दो गिलास पानी लीजिए और उसको चार से पांच सीटी लगा के उतार दीजिए। अब ये देखिए हम लोग का दाल हो गया है। अब इसका पानी गलेगा, पानी जब इसका पूरा निकल जाएगा उसके बाद हम इसको एक थाली में फैला के रख देंगे। इसको एकदम ठंडा होने के लिए, ठंडा जब हो जाएगा तब इसको हम मिक्सर में डाल के इसको मिक्सर ग्राइंड करेंगे, तब हम आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, चलिए आज हम आपको दाल का पूड़ी बनाना सिखाते हैं। इसमें देखिए ये हम दाल उबाल चुके हैं। उबालने के बाद इसका देखिए ये मेरा दाल को मिक्सर में ग्राइंड कर चुके हैं, ये मिक्सर ग्राइंड हो चुका है। अब ये देखिए एकदम पूरा बेसन जैसा एकदम बन चुका है। अब इसको ऐसे एक लेंगे लोई, इसमें ये डालेंगे ऐसे डाल के इसको फिर ऐसे पूरा प्रेस करते हुए ऐसे इसको पूरा हम कर देंगे। फ्रेंड ये देखिए पूरा ऐसे कर देंगे इसको पूरा ऐसे करके फिर इसको ऐसे मुँह इसका बंद कर देंगे। फ्रेंड फिर देखिए एक और लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए थोड़ा सा लेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे हाथ से, फिर इसको ऐसे करके फ्रेंड फिर इसको ऐसे गोल करेंगे। गोल करने के बाद थोड़ा सा इसको आटा में वो करेंगे, फिर इसके बाद इसको हाथ से थोड़ा गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा बनाने के बाद इसमें ये थोड़ा सा बेसन लेंगे, इसमें ये थोड़ा सा पूरन लेंगे, फिर इसके बाद ऐसे फिर प्रेस करेंगे। दोबारा दिखा रहे फ्रेंड आपको, ध्यान से थोड़ा देखिए, फिर इसको ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हाथों से फिर इसको ऐसे पूरा कर देंगे। आप देखिए, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। अच्छे से तेल में अब्जॉर्ब हो जाए। इसको देखिए, ये देखिए ये अच्छे से फूलेगा। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फूलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए ये हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। आपको थोड़ा मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा हाई रहने का पूरी जलने का डर रहता है, इसलिए आप मीडियम पर पकाइएगा तो धीरे धीरे अच्छे से लाल होगा और अच्छा बनेगा, उस तरह एकदम जल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा आँच एकदम मीडियम है, यहाँ देखिए एकदम धीरे धीरे एकदम जल रहा है आँच मेरा, सिर्फ इसमें एकदम बहुत कम है। और ये देखिए थोड़ा सा अच्छी से इसको प्रेस करिए और आराम से फूल जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि पूड़ी बनाने में धीरे धीरे इसको ऐसे जैसे कि बहुत आराम से फूल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसको जैसे निकाल लेंगे फिर ये देखिए गाइस हमारा पूरी तैयार हो चुका है। ये फ्रेंड एक और हम आपको बना के दिखाते हैं, आप आराम से सीख जाएं, इसलिए हम आपको दो बार तीन बार बना दिखा रहे हैं। ये देखिए फिर एक और हम बना रहे हैं आपके लिए फ्रेंड्स, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको लाइक करना तो बनता है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है फ्रेंड। ये देखिए एक और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फिर हम इसको तेल में डालें, फिर इसको ऐसे कच्छे से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया पूरी। ये हमने पूरा बना चुके हैं, देखिए कितना अच्छा है, कितना गोल गोल है और एकदम फूला फूला है। ये देखिए कितना फूला हुआ है। ये देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और हमें कमेंट में बताइए
कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगा जरूर। अगर और किसी चीज़ का आपको रेसिपी चाहिए, मंचूरियन, डोसा, इडली, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।